बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। नाज़रीन, आप जानते हैं कि हुकूमत की जानिब से तमाम शिनाख्ती कार्ड होल्डर के लिए एक पैगाम जारी कर दिया है। अगर आपका शिनाख्ती कार्ड बना हुआ है, आप रमज़ान रिलीफ पैकेज से मुस्तफ़ीद होते हैं, आप गिफ्ट हैम्पर लेना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। आपको 28,000 यानी कि 28,000 तक की जो इमदाद है वो आपको यहाँ से मिल जाएगी अगर आप इस प्रोग्राम में शामिल हो जाते हैं। लेकिन इसका जो प्रोसेस है वो आपको समझना पड़ेगा। ज़्यादा टाइम आप लोगों का लूँगा नहीं, आप मुकम्मल ये वीडियो देख लेना, इंशाल्लाह आपको सारी बात समझ आ जाएगी। घर बैठे आप अप्लाई कर देंगे, अप्लाई के फौरी बाद हुकूमत की जानिब से इंशाल्लाह आप लोगों को मैसेज भी आ जाएगा। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो रमज़ान निगेबान प्रोग्राम में अप्लाई करने के लिए 8070 यानी कि 8070 पर मैसेज कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि उनको ईद जो गिफ्ट है वो भी हुकूमत से मिले, ईद जो गिफ्ट हैम्पर है वो आप लोगों को यहाँ पर मिले। तो यहाँ पर निगेबान रमज़ान प्रोग्राम, निगेबान ईद प्रोग्राम से आप लोग कैसे मुस्तफ़ीद हो सकते हैं ये मैं आपको बताने लगा हूँ। लेकिन इससे पहले आप दोस्तों से छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगा, चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए ताकि हौसला अफजाई हो सके। और यहाँ पर जो मरियम नवाज है वो पंजाब की वज़ीर आला है, KPK के अंदर अली अमीन गंडापुर है, इसी तरीके से सिंध के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है और वफाक के अंदर शहबाज शरीफ है। तो यहाँ पर जो सूबाई हुकूमतें हैं वो भी कोशिश कर रही है कि हम लोगों तक जो इमदाद है वो पहुँचाए, क्योंकि ये असम्बलियाँ कब तक है, कब तहलील हो जाए कुछ नहीं पता। तो इस मुख्तसर वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा अवाम को रिलीफ देने की तरफ तमाम जो असम्बलियाँ हैं ये जा रही हैं। और दूसरी तरफ जो प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ, उन्होंने भी आते ही ये अनाउंसमेंट की है कि हम जानते हैं कि अवाम ने एक मुश्किल वक्त गुजारा है, तो इस मुश्किल वक्त में हम इनके साथ खड़े होते लेकिन खड़े नहीं हो सके, लेकिन अब हम इनके साथ खड़े हैं और इनके लिए रिलीफ दे रहे हैं। एक तरफ तो हुकूमत ने 5 अरब रुपए का जो पैकेज है वो देने का अनाउंस किया गया था, लेकिन अब जो अपडेट सामने आई है उसके मुताबिक हुकूमत 7 अरब रुपए जो है फौरी तौर पर हुकूमत, जैसे रमज़ान निगेबान प्रोग्राम है, राशन प्रोग्राम है, BSP की इमदाद है, इसमें जारी कर चुकी है। अगर आप इन प्रोग्राम से मुस्तफ़ीद होना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपको यहाँ से इमदाद मिले, तो तमाम सिम रखने वाले हजरात, तमाम शिनाख्ती कार्ड रखने वाले हजरात छोटा सा ये काम कर लें। अगर आप ये काम कर लेंगे तो इंशाल्लाह आप लोग आहिल हो जाएंगे और आपको मैं यकीनी तौर पे कहता हूँ कि आपको यहाँ पर रिलीफ मिलेगा। आप लोगों को जो पेमेंट है वो मिलेगी, 28,000 तक की जो इमदाद है वो आप रमज़ानुल मुबारक का जो गिफ्ट है इससे हासिल कर सकते हैं, जो गिफ्ट हैम्पर है ये आप लोग ले सकते हैं। निगेबान रमज़ान एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है और हुकूमत ने इसका जो दायरेकार है वो वसी किया है ताकि तमाम जो खानदान है वो इससे मुस्तफ़ीद हो सके और इससे बेनिफिट उठा सके। तो यहाँ पर शिनाख्ती कार्ड होल्डर के लिए एक और गुड न्यूज़ है, जो निगेबान रमज़ान प्रोग्राम है इसमें अगर आप अपने अप्लाई करना है ना, तो इसके लिए आपको शिनाख्ती कार्ड की ज़रूरत है। अगर आपकी एज कम भी है तब भी आप इसमें हिस्सा ले सकते हैं, मतलब कि 18 साल होनी चाहिए, तो इससे 20 साल से कम वाले जो अफराद हैं वो भी यहाँ पर शामिल होंगे। पहले ये होता था कि 20 साल के जो अफराद हैं उनको यहाँ पर ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती थी, उनको यहाँ पर आहिल किया जाता था, लेकिन इस मरतबा हुकूमत ने कहा कि हम तमाम खानदान को आहिल करेंगे, उनको निगेबान रमज़ान प्रोग्राम से गिफ्ट हैम्पर भी देंगे और रमज़ान का जो फ्री राशन है, आटा दालें चीनी वगैरह जो है ये भी आपको देंगे। तो आप लोगों ने अब जो काम है ना वो मैंने बता दिया है, आपने जो करना है, सबसे पहले तो एक हुकूमत ने पोर्टल बनाया जो कि USC है, यानी कि USC आप गूगल में जाके लिखेंगे, उसके बाद आप सर्च करेंगे तो नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद यहाँ पर इसको ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद आपने यहाँ पर टिक करना है, एक रमज़ान सब्सिडी है और एक जनरल सब्सिडी है, तो आपने रमज़ान सब्सिडी लेनी है तो उस पर क्लिक कर दें, जनरल सब्सिडी लेनी है तो इस पर क्लिक कर दें। क्लिक करने के बाद आपके सामने शिनाख्ती कार्ड का ऑप्शन आएगा, आप शिनाख्ती कार्ड नंबर लिखेंगे तो आपकी यहाँ से जो अप्लाई करने का मसला था वो भी हल हो जाएगा आपका। अगर पहले अप्लाई नहीं हुआ तो अप्लाई हो जाएगा, अगर पहले अप्लाई हो चुका है तो आपको यहाँ पर मुबारकबाद दी जाएगी और आप लोगों को डेट दे दी जाएगी कि इस डेट तक आप लोगों को हुकूमत की जानिब से जो सब्सिडी है वो दे दी जाएगी। लेकिन जो रमज़ान निगेबान प्रोग्राम है, ईद गिफ्ट है, ये आपको कैसे मिलेगा? इसके लिए हुकूमत एक तो कॉल सेंटर से हेल्प ले रही है कि आप लोगों के जो क्वाइफ है वो इकट्ठा कर रही है, मतलब कि आपको एक कॉल की जाती है और कॉल करके पूछा जाता है कि आपके घर में कितने अफराद हैं, आपकी फैमिली का साइज़ क्या है, और आपको पिछली मर्तबा हुकूमत की जानिब से रमज़ान पैकेज मिला था या नहीं मिला। अगर आप ये कहते हैं कि पिछली मर्तबा आपको रमज़ान पैकेज मिला था, तो हुकूमत आपको यहाँ पर इस मर्तबा भी रमज़ान का जो पैकेज है वो देगी, क्योंकि हुकूमत
के पास इस वक्त डाटा नहीं है, हुकूमत के पास जो डाटा है वो BISP का है, तो हुकूमत BISP से हेल्प ले रही है। तो BISP में जितने भी हमारी माएँ बहनें ख़वातीन हैं जो इसमें हिस्सा ले चुकी हैं, तो उनसे हुकूमत जो है उनका जो डाटा है वो पिक कर रही है और उनको यहाँ पर 100% आहिल किया जा रहा है, उनके घरानों को नाहिल नहीं किया जा रहा। इसके अलावा बाकी जो ख़ानदान है वो भी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि वहाँ से चेक कर लें, अगर आप वफाकी हुकूमत से सब्सिडी लेने में आहिल हैं तो आप लोग रमज़ानुल मुबारक के इस महीने में और ईद उल फितर के मौके पर आप लोग जो अब हुकूमत ने रिलीफ दिया है इसमें भी आप आहिल होंगे। और ये याद रखिएगा, इसके लिए हुकूमत ने ये नहीं कहा कि शादीशुदा जो अफराद है और सिर्फ उनको मिलेगा, जो गैर शादीशुदा अफराद है वो भी ले सकते हैं, लेकिन उनका शिनाख्ती कार्ड जो है वो बना होना चाहिए, उस पर हुकूमत ही आप लोगों को रिलीफ दे रही है। और 28,000 तक का जो रिलीफ है वो इंशाल्लाह आप लोग ईद उल फितर तक यहाँ से हासिल कर लेंगे, अगर आप इन तमाम प्रोग्राम्स में जो आपके साथ शेयर किए इसमें हिस्सा लेते हैं। और जो लोग BSP का इंतज़ार कर रहे थे पेमेंट का, मैं आपको बता देता हूँ कि आपको मार्च के अंदर हुकूमत ने कहा था कि हम आपको किस्त देंगे, तो इंशाल्लाह 10 अप्रैल से पहले आप लोगों की किस्त आ जाएगी, तमाम लोगों के मैसेज आ जाएंगे 81-71 से, तो आप लोग वहाँ से अप्रैल वाली जो किस्त है ये भी आप रमज़ानुल मुबारक के जो अशरा है, लास्ट जो अशरा है इसमें ले सकेंगे। ईद के मौके पर हुकूमत आप लोगों को यहाँ पर ये पेमेंटें देगी।